नमस्कार सद्गुरु, लिंग भैरवी मंदिर में होने वाली औरा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या महत्व है और नीम के पत्तों और दीपक का उपयोग क्यों किया जाता है? हर वो चीज जो आप हैं, औरा उसकी एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। अगर आप किसी व्यक्ति की औरा को देखें तो आप उसकी शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत, कार्मिक ढांचा, एक तरह से उसका अतीत और वर्तमान स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। अगर वो बेवकूफ़ है तो उसका भविष्य भी। हाँ, अगर आप बेवकूफ़ हैं केवल तभी हम आपका भविष्य बता सकते हैं, वरना हम सिर्फ आपका अतीत ही बता पाएंगे। हाँ, तो औरा आपकी अपनी ही एक अभिव्यक्ति है, भौतिक शरीर से सूक्ष्म अभिव्यक्ति। इसे साफ रखना अच्छा है। क्या आपके शरीर को साफ रखना अच्छा है? अगर आपको समझ ना आए तो आपके पास बैठे लोग तो समझते ही हैं कि अच्छा है। अपने शरीर को साफ रखना अच्छा है, अपने दिमाग को साफ रखना अच्छा है, आपसे जुड़ी हर चीज को साफ रखना अच्छा है, क्योंकि मैं आपको स्वच्छता का पाठ पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी चीज पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे शुद्ध करते हैं। अगर आप किसी चीज को एक ऊंची संभावना तक ले जाना चाहते हैं तो पहले उसे शुद्ध करना होगा। शुद्धिकरण के बिना आप उसे मौजूदा स्थिति से बेहतर स्थिति तक नहीं ले जा पाएंगे। तो आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए और आपके मन को शुद्ध करने के लिए हमने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, साधनाएं, भोजन, ये वो, कई सारे आयाम, अपने शरीर और दिमाग को शुद्ध रखने के लिए। औरा एक अभिव्यक्ति है, इसकी अपने आप में कोई उपस्थिति नहीं होती। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं और अपने सिस्टम को सुधार रहे हैं तो कल आपने क्या अभिव्यक्त किया था या 10 साल पहले आपने क्या अभिव्यक्त किया था, हो सकता है ये आपके आसपास ही लटकता रहे और आप जो बनना चाहते हैं उसमें बाधा डालें, तो उसे शुद्ध किया जा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप शावर लेते हैं या नहाते हैं, जैसा हम भारत में कहते हैं, जो डुबकी लगाना नहीं है बल्कि आप अपने शरीर पर पानी डालते हैं, जब आप पानी को अपने ऊपर से बहने देते हैं तब आप सिर्फ अपने शरीर की सफाई नहीं करते, यानी सिर्फ त्वचा की सफाई नहीं करते, कुछ और भी है जो साफ होता है। मान लेते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, परेशान हैं और आपके अंदर बहुत बेचैनी चल रही है, आप बस जाते हैं और नहा कर आते हैं। आपको लगता है कि मानो सारी बकवास एक तरह से धुल गई हो। तो नहाने से सिर्फ आपके शरीर की त्वचा ही साफ नहीं होती, कुछ हद तक आप अपनी औरा को भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि जिसे आप शरीर कहते हैं वो 5 तत्वों की एक अभिव्यक्ति या उनका एक खेल है। तो आप पानी से स्नान कर सकते हैं, इसी तरह आप वायु स्नान भी कर सकते हैं। आपको ये देखना चाहिए, मान लीजिए कि एक मंद हवा चल रही है, आप बस जाकर यूं खड़े हो गए, आप पतले कपड़े पहनकर बस यूं खड़े हो गए, कुछ देर बाद आपको लगेगा। क्या आपने गौर किया है? क्या आपने गौर किया है? आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि आप पारदर्शी हो गए हैं और बस उड़ जाना चाहते हैं। हवा ये कर सकती है, बस उसका वेग सही होना चाहिए, तापमान वगैरह भी सही होना चाहिए। अगर सब सही रहा तो आप देखेंगे कि हवा आपको शुद्ध करती है। ये वायु स्नान है। हम आपको मिट्टी का स्नान भी करा सकते हैं। अगर आप रिजुविनेशन सेंटर में जाते हैं तो वो आपको मिट्टी का स्नान करवाते हैं। ऐसे ही हम आपको अग्नि स्नान भी करा सकते हैं। तो मंदिर में जो किया जाता है वो है अग्नि स्नान, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि वो भैरवी हैं। आप बस अग्नि स्नान कीजिए। बेशक आप उसे अपने शरीर पर उड़ेल नहीं सकते। आप एक खास तरीके से अपने शरीर की ऑरा को स्पर्श करते हैं। आपकी ऑरा में कई पैटर्न्स चलते रहते हैं। अगर आप अग्नि को इन ट्रैक्स पर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि अचानक आप चमकदार और साफ महसूस करेंगे। आपको पता ही होगा, भारत में ये चीज़ें आम हैं। आपके घरों में आपकी दादी नानी आपकी नज़र उतारा करती थीं। ये ऑरा की शुद्धि है। शायद आप में से कुछ की दादी नानी इसे ठीक से करना जानती थीं कि इसे कैसे करना है। कुछ नहीं जानती थीं, बस अनजाने में ऐसे वैसे करके कर देती थीं। अगर इसे ठीक से किया जाए तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर इसे बस यूं ही कर दिया जाए तो भी ये थोड़ा बहुत काम करता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बीमार हैं और थोड़ी सी अग्नि स्नान से वो ठीक हो जाते हैं। क्या आपने देखा? Because it's just a fire bath and it does things to the system. क्योंकि ये सिर्फ एक अग्नि स्नान है और ये आपके सिस्टम पर असर डालता है। तो मंदिर में क्लेश नाशन क्रिया के रूप में जो किया जाता है, इसका मतलब है कि अशुद्धियों को नष्ट करने वाली क्रिया। अंग्रेजी में यही ऑरा क्लेंजिंग है, जो अशुद्धियों को ऑरा से दूर कर उसकी सफाई करती है ताकि शरीर बेहतर ढंग से सांस ले सके और सेहत, खुशहाली, मानसिक संतुलन और हर स्तर पर बेहतर महसूस कर सके। नीम, उन्होंने सिर्फ पत्ती का ही इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से उन्हें डंडी का भी इस्तेमाल करना चाहिए था। नीम की डंडी बहुत फायदेमंद है। ये बहुत से लोगों को जगा देती है। भारत में अगर आप किसी के वश में आ जाते हैं तो वो मार मार कर आपका भूत उतार सकते हैं नीम की डंडी से। नीम शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप सुबह सुबह नीम की गोली खाते हैं तो आपका पेट साफ रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इस देश में आपको हमेशा नीम की पत्तियों के बिस्तर पर लेटाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को बहुत अच्छे से साफ कर देता है और बहुत ऊर्जा देता है। तो इस पत्ती में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इसमें ज़बरदस्त प्राणिक स्पंदन होते हैं और ये इतनी कड़वी है कि आपके सारे भूत उतर जाएं।